दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में जो बेस्ट फीचर लगता है मेरे को कार का, वो है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि आपको 8 लाख से नीचे कार में शायद ही कोई कार आपको दे पाए क्रूज़ कंट्रोल। कोई भी ऑटो मेकर मेरे ख्याल से कोई कार में नहीं देता है जिसमें कि आपको इतना अच्छा फीचर क्रूज़ कंट्रोल मिल पाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जिन जिन्होंने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जिन जिन के पास ऑल्टोस है और वो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी थिंग है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो मिनिमम 60 होनी चाहिए एंड 5th गियर होना चाहिए। इसके अगर गाड़ी की स्पीड 60 बिलो है एंड गियर 5th नहीं है तो आप क्रूज़ कंट्रोल सेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसे ऊपर ही रखनी पड़ेगी स्पीड एंड गियर। एंड दोस्तों, आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड अभी है ऑटोमेटिकली, मैंने अभी सेट नहीं किया है क्रूज़ कंट्रोल, तो अभी गाड़ी की मेरी स्पीड 80 की है। बट इसको मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि आपको क्रूज़ कंट्रोल कैसे सेट करना है टाटा ऑल्ट्रोस में। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बटन प्रेस करना है। ये बटन आप प्रेस करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे मोड एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, जस्ट आपको शो होएगा कि आप यहाँ से गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर सकते हैं। ये बटन आपने प्रेस किया, उसके बाद आप ये वाला नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए 66 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट हो चुका है। सिर्फ दो बटन्स प्रेस करते ही आपका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी सेट हो चुकी है एंड ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस कार का। इसमें आपको एंड मैंने यहाँ से देखिए आप दोस्तों, मैंने यहाँ से एक्सेलेटर से पैर हटा दिया है एंड स्पीड देखिए कंसिस्टेंट हो चुकी है स्पीड, 5th गियर पे है गाड़ी, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्रूज़ की स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है टाटा ऑल्ट्रोस में, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये वाले बटन से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 2 डिजिट और ये वाले से डिक्रीज़ कर सकते हैं 2 डिजिट। तो अगर मैं नीचे वाले बटन को प्रेस करूँगा, आप देख सकेंगे, ये देखिए 67 पे सेट हो गया। एंड अगर मैं ऊपर वाला बटन प्रेस करूँगा अगेन, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा एंड आपको गाड़ी में काफ़ी जर्क लगेगा, उससे ये पता लगेगा गाड़ी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। मैं वापस 67 पे कर देता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे आप इसका क्रूज़ कंट्रोल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं स्पीड उसकी।